हेलो जी, जय श्री राम नारायण प्रणाम। मैं संतोष विष्णु आपका अपने सतंगी ब्लॉगर चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अभी है रे अभी शाम के 4 बजे का टाइम और मौसम देखो रे जन दिन छिप गयो। तो भाई इतना प्यारा मौसम है रे, बादल वाई रो देखो। और भाई दूर दूर डीजे बाजे कावड़िया में। तो भाई आज ब्लॉग और दूसरा ब्लॉग बना ला रही हूँ। आज दिन में एक ब्लॉग तो बनाई है छोटो ही है, पर एक ब्लॉग बना लियो तो दूसरा शाम का टाइम है। अभी तो शाम का टाइम मैं शुरुआत करूँगी ब्लॉग की। और बादल भाई ये दोपहर एक तो बूंदाबांदी आई गई 3 बजे से। और वो देखो भाई थाने मौसम दिखा चारों साइड कितनी बढ़िया हरियाली हरी। तो भाई आज का टॉपिक एक थोड़ी सी हट है, तो आज मैं एक थोड़ी सी मेहंदी पर ले रही हूँ टॉपिक, क्योंकि पहले अपनी माँ दादी नानी आप छोटा इंदा छोरा भी जिद कर लेंदा पहले टब्र अभी अर्थ कौन करें। फिर मेहंदी नफरत माने हुई भी कई कई थी साहब माँ मेहंदी लगा ले तो आता रोटी भी कौन दी मैंने, पर पहली छोरा भी लगवा मेहंदी और छोरियाँ भी तो लगवादी अभी माँ दादी नानी कोई लगा भी। तो भाई पहली यार मेहंदी ने मैं याद कर रही एक दिन मैं भी मेहंदी लगा लिया देखो, क्योंकि देखो आप लिखी हर सिरा मेहंदी लगा दी अपनी माँ दादी तो अपना ही लिकलोड़िया मान दी और पीछे भी है देखो। हाँ देखो भाई पीछे मैं आई लगाई ली करी तो आ मेहंदी मैं लगाई के कारण वो भी थाने बता दी भाई। मैं जो पुरानी यादें भी ताजा जी अपनी और मरकालू देखो पहली आई गई भाई ज्वार आर बडम। तो भाई लुगाइया रब त्रोड़ भी लगा दी अभी और पहली और अभी तो लगावे कम है छोरियाँ। तो आज ही बारे में छोटी सी बात ही। तो भाई मैं मेहंदी आ कारण लगाई वो बता दी भाई। बैठी बैठी मैं जो कुंपी पड़ी तो मैं भाई मेहंदी तो लगाई रखूँ हमेशा, तो मैं इस भी अब क्या मेहंदी लगा लियो। तो भी अपने जो पहली बचपन की यादें वे भी ताजा जी और नानी दादी माँ आप जिद कर लेंदी तो रोंदी तो बेही बे आई मेहंदी लगा दी तो अपने आई भी मेहंदी लगा दें और आप तभी खुश हो जाती राजी हो जाती। तो वो भी टेम हो भी वो बचपन भी हो जो थोड़ी सी चीज़ में अपन खुशी मिल जाती अभी अपन कत्ती मोटी चीज़ मिल जाए तो अपन खुशी कौन मिलनी। तो भाई वो दिमाग को ही असर है सारो खुशी मिलना, छोटी सी चीज़ में भी खुश हो जाना और मोटी चीज़ मिल जाए तो भी अपन खुशी कौन मिलनी। तो इस बचपन में भी छोटी छोटी चीज़ें में अपन खुशियाँ मिल जाती पर मोटा है भाई बात अपनी हर एक चीज़ की अपनी मांग बढ़ दी जाए क्यों अपना दिमाग तेज होने जो अपन भाई अभी तो है अभी आ चीज़ है अभी आती है अभी आती है तो भी अपनी हर चीज़ सोच बदल दी जाए नहीं जो अपन ज़्यादा लालसा बढ़ दी जाए अपनी भाई लालच बढ़ दो जाए तो भी मैं खुशी अपन बिल्कुल ही कौन मिले कुछ भी कर लियो चाहे कुछ भी कर लियो कत तो ही अपन शांत एक थोड़ी देर 5 मिनट शांत जहाँ भी आ चीज़ बस सत्ता में अपन शांति है भाई अपन इतनी चीज़ में संतोष कर लियो तो वो अपन मिले ही कौन नहीं। और पहले अपन छोटी चीज़ में तो शांति मिल जाती है संतोष हो जाता अति चीज़ में खुश हो जाता और छोरा भी पहले छोटे छोटा तो मैंने भी शौक होता मेहंदी लगाऊंगा और भारी का तिल्ला आंदा पिछली साइड तो वो पतला तिल्ला ले रहा मेहंदी अजरी गोलेड़ी आँदी चम्मच वो गिलो भी छोटेड़ी आँदी तो भी देख लिया आप हाथ गला रहे भी तिल्ला मान लें और वो भी कुंपी लगा लिया तो भी भाई बात शांति कौन पड़े नहीं संतोष कौन नहीं हो तो सोच भी बन लुगाई इतनी बढ़िया मेहंदी लगा रखी बन भी छोरी इतनी बढ़िया लगा रखी। तो भाई अपनी दिमाग ही है अपनी सोच ही है अपनी लालच ही है अपनी लालच ही है तो अपने लालच में अपन ही रहने दो जब भी। तो मैं अभी ज्वार अरे बाटा कहीं चलूँ मैं बाढ़ लूँ ज्वार तो भाई काल की राजगी तो बाढ़ गया है अभी मोटी ज्वार बद गिनी तो आँ दिन मैं कौन लेगी नहीं आपकी बाढ़ गेड़ा है अभी पगड़ा खातर मैं बाढ़ लियो दीतवार की और सोमवार की तो मैं कल की बाढ़ूँ आज शाम ने कल की बाढ़ लियो क्यों मौसम ठंड हो रही है मेरा काम सारा उकरेड़ो है सिर्फ रोटी पानी काम रहे और पशुओं ने दुब्बर नेरना है और इन टाइम कल बाढ़ लें पर परसों सोमवार खातर तो आज है वार शनिवार और मेरी भूमि तो गई काम भाई बड्डे कुछ ही मना लियो अभी बाकी भी मना ली आपके नाने रहे तो आवाज़ चलना रही भी थोड़ी थोड़ी शुरू होगी इधर मौसम घूम रहे हो क्यों बरोबर साइड में नहीं आ रहे हो और मंदिर में रेडियो बजन ला रहे हो कि तो कॉपीराइट आई कोई कुछ हो वीडियो पर मैं वॉइस तो बरना रही हूँ तो वो देखो भाई चल बाडे में मारो कालू तो आ रही बाडे में बूझ गया डाने का नहीं मन छोड़ गया बहुत सोचा तो फ़ोन पर बात ला गई करने बीच में फ़ोन आ गया मेरे भाई को और अपनी माँ दादी भी ऊँ भी बाई गई बाँ भी मेहंदी लगा रच दी और मुठड़ी भी लगा दी पर कई कई आज के दिन इन चीज़ ने आपकी संस्कृति ने बचा रखी भी मेहंदी आने भी
भी पहली रिवाज ही क्यों गए। कई बार थे मेहंदी देख लिया करो जो सीधी मारवाड़ी कुछ लिया है तो बस सीधी ही रंग उठा आंगलियाँ ठोलारी मेहंदी रखा है। बहुत बारी देखी मैं भाई, बहुत वीडियो में देखा पे मैं पेरुआ और सीधी मुठड़ी और मेहंदी वो भाईगी वहाँ और इंतरी मेहंदी। पर आजकल की छोरियाँ लुगाई हैं भाई, इन चीज़ में शर्म भी माने और पुठी धीरे धीरे इन चीज़ की रिवाज भी आना भी इन्हें शौक है तो मेहंदी लगाए। तो इत भी मैं मेला में बुझ गई है वो है सोमती मास ही तो सावण की बड़ी मास को बहुत तकड़ो मेला ब्रिज है और पहली तो तकड़ो कौन ब्रिज दो भाई। और मेले में भी सब ज़्यादा बिक्री है तो आइसक्रीम गोलगप्पा तले भुने सामान आ रहे हैं आगे सब ज़्यादा बिक्री है सब ज़्यादा। और इतो गर्मी का मौसम हो तो सब ज़्यादा बिक्री है कुल्फी आइसक्रीम फलूदा रे जो भी बादाम से करवाए ठंडी चीज़ें आएंगी। और होते कोई फल फ्रूट आर बेचारे लुगाई हैं कोई कुछ खरीदे कोई कुछ खरीदे थानू पता ही मेला ठेड़े में क्या करे लुगाई हैं। और आज तो भाई मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा और देखो ये आइसक्रीम हमारा छोटा हथियार था आजकल देखे बुने मेला में ये देखा तो भाई लुगाइयाँ अति भीड़ लुगाइयाँ सब ज़्यादा नहाण करने आवा है मौसम। और अब की बार तो इतनी भीड़ मच भी थे अगर कोई हो तो आ देखो आ रही मेले में तो थाने पता चल रहा भाई कत्ती भीड़ वही गाँव में भी छोटे से गाँव में एक छोटो से तीर्थ है श्रवण तीर्थ है वो अड़सठ तीर्थ है एक मानेड़ो तीर्थ है। तो भाई मैं छोटी छोटी क्लिप ले स्किनी बीच ले ली और यही भीड़ बड़ा कम एक कर हाथ उन्ना और एक कर धक्का मुके उन्ना तो कूड़ियाँ मार दी जलू गई और फोन ना था हाथ में लेनी कौन देनी। तो भैया बीच में थोड़ी सी चीट आई तो थोड़ी सी खिलौनियाँ खिलौनियाँ ली मैं क्लिप और नहीं तो भाई पगटे करने जीगा को नहीं। और पूरा दिन लुगाइयाँ आई रही अगर जे बत्ती दुनिया का ठीक है तो भाई एक इंच ही पेड़ धरना जीगा को मिले नहीं रहा खिलौना रंग चूड़ी मिनियाँ बस आ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ है लकड़ियाँ काठ का ट्रैक्टर या पहली बीच में से एक काठ का ट्रैक्टर बंद कर दिया दुकान हट लिया कोई अभी फिर काठ का ट्रैक्टर टब रंग मांग ले रही है। तो मैं वही सब जाति आवे कोई किसी जाति को या कौन भी या एक ही जाति धोख मारे और वो है मंदिर वो मेन गेट तो इन माई कर भाई इतनी बढ़ने जगह को नहीं मैं हूँ पग टेकने धक्का मुक्की धक्का मुक्की और मेरी वॉइस ओवर करी अगर वही सोच रहा तो कोई वॉइस भर भी कौन से करी और भी शोर में पत्तो ही कौन चला सारा जन किलकार मारा है कोई बोलने नहीं तो सुनिजे ही कौन जन किलकार मारा ही रहना था। और गर्मी में भी एक करे कर तो बादलवाई जी बहुत बढ़िया मौसम है रही और बाद में अति गर्मी है रही 12 बजे बाद में तो ताड़ तपन लाई रेल गोइयाँ तीर्थ खाने की क्लिप है थोड़ी सी मेरे लेड़ी तेल गोइयाँ तीर्थ खानी आवे ही रून ले जय है रावे हर जय चो 12 घंटा पूरा दिन चंद्र के 3-4 बजे शाम ने 8-9 बजे तक ही रह चलो। हेलो जी जय श्री राम जी प्रणाम मैं संतोष पुण्य आपका अपने स्थानीय लोग चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज देखो भाई खान दिखाऊँ श्रवण तीर्थ स्थल पर बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ रही है की बार 2-3 साल अब की बार और ज़्यादा भीड़ रही है तो सोमती माँ से आए तो देखो भाई तीर्थ करना रहा हूँ। और दुनिया आंधी जय की भीड़ शाम तक एक रही रही तो भी थान दिखाऊँ बे कैमरा भाई सबसे बढ़िया तरिया करना रहा है सारा लोग और मैं तो मेरे खाली खड़ी सारा जो भी आ रही है मेरे सारे कोई बंगे जो मेरे मम्मी और मेरे काम आ रहे हैं तेज भैया तो फोन कर दिया पहले भी मैं आ हूँ। तो ये देखो भाई अब की बार तो एक नई रिवाज खड़ी लुआई का सोमती मास ही तो भिंग जाएंगे चारों में दिया भी कर रही पता नहीं तेल का हक गई का और चारों पास फेरी भी लगा हुए देख लु गई। तो आप पहली बार मैं अब की बार रिवाज देखी मार तीर्थ पर रही घाट पर पहले कद या रिवाज कौन देखी मैं लुगाइएंगे भैया भी लुगाइया नई नई रिवाज निकाल दी जाए पता नहीं क्या क्या है और देखो तीर्थ का पानी तो बोला लेने ला रही भी टाइम हवा भी चले और बाद में दो फिर बाद में हवा भी बंदगी बहुत ज़्यादा गर्मी से गई। तो भाई छोटी मोटी क्लिप ली मैं बेथार से आगे शेयर कर दी ओ मंदिर में तीर्थ खाने वापस आवा भी टाइम वो सीन है। तो भाई ला रहा हरियाली बहुत है पेड़ पौधा रंग
फूल और पौधे बहुत ज़्यादा लगाए हैं। और वो है पिछली साइड को गेट तई और श्रवण भगवान की अपने माता पिता ने जो कवर्ड में बिठा रखे बंगी फोटो बनाई रही है, सीमेंटेड फोटो है। तो वही थाने पता चल जी कुछ तो भाई ओ कित को शिव मंदिर है और कित को श्रवण तीर्थ स्थल है। तो आ वीडियो थे पूरी जरूर देखियो इन्हें और लाइक करियो और कमेंट करियो। चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दियो भाई। और अति बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बैक साइड गेट हुआ भाई तो भी अति ज़्यादा भीड़। और ये देखो मंदिर में जो शिव मंदिर में धोख लगा हुआ है भाई, इतना ज़्यादा श्रद्धालु आप पूछो ही ना भाई। पेड़ धरने जगह होनी ऊपर नचीरा और चारों साइड देख भी। और अच्छो मंदिर में लंगर चल रहा है भंडारो भी, आलू खीर और पूरी आलू छोलों की सब्जी। तो वीडियो देखने लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना पता चला रहा इतनी बारिश एडियो देखो भाई।